बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्री हिट देखने वालों, आपको खुशामदीद। PSL चल रही है इस वक्त 7 और बहुत अच्छी मुल्तान सुल्तान की टीम जा रही है। 4 मुकाबले हुए हैं और रिजवान 11 4 मुकाबले जीत चुकी है। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद ने एक ट्वीट किया अभी, जिसने मेरी तवज्जो खींची और मैंने उस पर सोचा और सोचने के बाद कुछ मालूम ही जमा की मैंने कि सरफराज अहमद ने ये कहा है कि जो फिक्सिंग में अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करे उसको किसी के इंटेंशंस पर कहने का कोई हक नहीं। मुझे नहीं मालूम वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किसकी तरफ उनका ये हिट है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा सोशल मीडिया की कुछ ट्वीट से लगा कि सलमान भट्ट ने शायद कुछ कहा है। मुझे नहीं मालूम, सलमान भट्ट को मैंने सुना नहीं, लेकिन ये दो पहलू हैं। ये अब फिक्सिंग, सलमान भट्ट ने स्पॉट फिक्सिंग में रहे थे, सबको पता है, 5 साल उन्होंने पाबंदी भी भुगती, वो भी सबको पता है, लेकिन सरफराज अहमद को क्या चीज़ हिट की है जब तक सरफराज खुद नहीं बताएंगे, जब तक इसका फैसला करना मुश्किल है। सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि सलमान भट्ट एक मेल प्रैक्टिस में मुलविस रहे, सलमान भट्ट नहीं मैं कह रहा, कोई भी अगर एक मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को इस वजह से नहीं रिजेक्ट किया जा सकता कि वो फला 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 उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट तो बात ही इनकम्प्लीट सरफराज ने की है। अगर वो कहते कि इन साहब की वजह से उनको परेशानी है तो फिर हम तजिया भी कर पाते, लेकिन मैं ये अस्यूम करता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो कि स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहा है पाकिस्तान से, उसे सजा भी हुई है, उसने कुछ कहा ऐसा जो सरफराज को बुरा लगा। अब उसने जो लफ्ज़ कहे उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर उसने ये कहा कि सरफराज अहमद के परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ कहा तो ठीक है, जायज़ बनता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं। पहले से इस चीज़ को दिमाग में रखना कि फ़ला शख्स ने फ़ला काम किया है जो कि खिलाफ़ कानून है, तो उसकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैं समझता हूँ सरफराज अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक सामने नहीं आएगा मुकम्मल, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो सरफराज ने कहा उसका भी एहतराम करते हैं हम, और सरफराज अहमद का इंतज़ार करते हैं कि वो कब इस चीज़ को क्लियर करते हैं। कुछ अरसा से सरफराज अहमद शेर व शायरी भी कर रहे हैं, कुछ वो बातें ऐसी करते हैं जो कि ऐसा लगता है बिटवीन द लाइंस बातें वो कर रहे हैं। तो ये जो नई बात सरफराज अहमद ने अभी की है, इसका इस वक्त इसलिए रेलिवेंट नहीं बनती क्योंकि उन्होंने पूरी बात नहीं की। तो पूरी बात कर लें तो शायद मुनासिब हो, वरना फिर ये सिर्फ एक ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि मैच फिक्सिंग के हवाले से वाज़े मौक़ जो रहा वो हफीज़ का रहा, अज़हर अली का रहा। इन प्लेयर्स ने साफ मना कर दिया था आमिर को जब लेकर आ रहे थे, क्लियर कट अपनी पॉलिसी दी थी, लेकिन PCB की पॉलिसी ने ओवर रूल किया उनकी पॉलिसी को। सरफराज अहमद स्पीक अप और डोंट स्पीक अप, सिंपल इज़ दैट। आपका फ्रेट देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।